आवाज का जादू जगाने वाली गायिका मलिकाए तरन्नुम नूरजहां। वो बड़ी अनमोल घड़ी होती है जब कोई मनचाही आवाज सुनने को मिलती है। आपने हाल ही में वाणी जयराम और तलत महमूद की आवाजें सुनी, जिनके खास गीतों के प्रोग्राम आपकी पसंद पर पेश किए गए। आज के प्रोग्राम भी देखने वालों की पसंद पर दोबारा पेश किया जा रहा है, और ये पुराना होते हुए भी नया लगता है, क्योंकि नूरजहां की आवाज़ में एक सदाबहार ताजगी है, एक ऐसी ताजगी जो मीर की गज़लों में है, कबीर के दोहों में है और मीरा के भजनों में है। नूरजहां ने गांव की गोरी से लेकर छैला बाबू तक आवाज़ की अनगिनत मंजिलें तय की हैं। आप 1976 में जब ब्रिटेन आई थी तो हमने उन्हें स्टूडियो बुलाकर उनकी रिकॉर्डिंग की थी, और आज हम उसी रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से पेश करने जा रहे हैं जिसमें नूरजहां के साथ सलीम शाहिद की बातचीत भी शामिल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप नज़ामत किया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। शुक्रिया आपने बुलाया जी, याद किया। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि मलिकाए तरन्नुम के नाम से आप उतनी मशहूर हैं जितनी नूरजहां के नाम से, और वैसे आपको मेरा ख्याल है सैकड़ों तमगे और अवार्ड और इनामात मिले हुए हैं बचपन से लेके अब तक, जिसमें कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये मलिकाए तरन्नुम का खिताब आपको कब और किस नगमे पर मिला था? जी मैं बॉम्बे में थी ना जब मैंने काम किया था जीनत में, जी उस वक्त मुझे ये लाहौर के बाद यानी पंचोली पिक्चर्स के बाद आप बॉम्बे गई। वो तो हाँ जी, हाँ तो फिर वहाँ जीनत में गया था बुलबुल मतरोया। अच्छा, तो वहाँ फिर बस पब्लिक ने मुझे ये एजाज दिया कि मलिकाए तरन्नुम कहने लगे। आपने उस पे पार्ट भी तो किया जीनत में? जी हाँ, वो तो मुझे मिलता ही नहीं था पार्ट। मेरा पहला बच्चा मुझे होने वाला था तो वो कहते थे कि भाई ये बहुत भारी रोल है और तुम नहीं, तुम्हें ममता का पता ही नहीं, ये मेरी पिक्चर फेल हो जाएगी अगर तुम काम करोगी तो। और मुझे इतनी स्टोरी पसंद थी और मुझे शौक़ था कि मैं काम करूं, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी भी इतनी अच्छी तो स्टोरी नहीं मिली। उस ज़माने में अभी आपको बेबी नूरजहां तो नहीं कहते थे? जी बस बेबी थी जब शादी हुई। अच्छा। फिर ये बच्चा मेरा हुआ तो फिर उसके बाद पिक्चर कुछ दिन बंद हो गई, तो मैंने कहा कि फिर मुझे बेटा पैदा हुआ तो मैंने कहा देखिए शौक साहब, अब ये कभी मैं किसी को रोल नहीं करने दूंगी, क्योंकि वो वीना हैं उनको बनाना चाहते थे। मैंने कहा अब आपके पास कोई बहाना नहीं और मैं ये रोल करूंगी, क्योंकि उसमें बैक वक्त एक यंग लड़की से लेकर और बुढ़ापे का भी रोल था, तो उस पर फिर मुझे अवार्ड मिला एक्टिंग का। यानी वो जिसका चांस आपको नहीं मिल रहा था उसी रोल पे आपको अवार्ड मिला। अल्लाह करके वो मुझे फिल्म में काम मिला। अच्छा, उसके बाद आप काफी अच्छे तक वो पार्ट करती रही, लेकिन आपको एक्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी है या कि गाने में? यानी अब गाना तो मेरी रूह है जी, इसीलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी कि गाने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता एक्टिंग में। ज्यादा से ज्यादा एक पिक्चर में 6 गाने होते हैं, तो साल में मैं ज्यादा पिक्चरों में काम नहीं करती थी, 2-3 में। तो इसलिए मैंने सोचा कि गाना ज़्यादा मिल सकता है अगर फिल्म में काम छोड़ो। मेरा ख्याल है जो हमारा प्रोग्राम देखने वाले हैं, और मेरी ज़ाती राय भी यही है, वैसे तो जी चाहता कि आपसे बातें करने का मौका कम मिलता है, गाने बहुत सुन लेते हैं हम आपके रिकॉर्ड किए हुए, लेकिन आज लोग बेताब हो रहे होंगे आपके और गाने सुनने के लिए, तो मेरा ख्याल आप कोई पंजाबी का गाना हमें सुना दीजिए, और अगर इजाज़त हो तो मैं सिफारिश करूँगा कि फिल्म दुख सजना दा, उसमें जो आपने गाया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, मुझे ये पसंद है गाना, जरूर वही सुनाइए।
मलका तरन्नम नूर जहाँ ने ये गीत जो पेश किया आज के ख़ास प्रोग्राम में, ये आपने फिल्म दुख सजना दा में पेश किया था। अब मेरा ख्याल है इनसे फैज़ अहमद फैज़ की वो मशहूर गज़ल सुनी जाए, जिसके बारे में जब उनसे मुशायरे में दरख्वास्त की जाए कि वो सुनाएं, तो वो यही कहते हैं कि ये गज़ल मैंने नूर जहाँ को नज़र कर दी थी, आप उन्हीं से जाके सुनिए। यह अब उनकी गज़ल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाज।
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमांग फैज़ अहमद फैज़ की ये गज़ल मलका तरन्नम नूरजहां ने पेश की। अब मेरा ख्याल है मूड बदलने के लिए इनसे कुछ हल्का फुल्का गीत सुनना चाहिए, और दोस्ती फिल्म में आपने जो गीत गाया है वो आप सबको उम्मीद है पसंद आएगा। चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दो। मलका तरन्नम नूर जहाँ ने जहाँ फिल्मों में हज़ारों नगमे गाए हैं, कुछ इनकी गैर फिल्मी चीज़ें भी हैं जो कि उतनी मकबूल हैं, तो मेरा ख्याल है इनसे दरख्वास्त की जाए कि वो गज़ल सुना दें जिसके बोल हैं भूलने वाले से कोई कह दे ज़रा। आ
तरन्नुम नूर जहाँ आपके सामने जलवागर थी। ये प्रोग्राम हमने कुछ साल पहले रिकॉर्ड किया था और इनके साथ बातचीत कर रहे थे सलीम।